नया साल है, बंगाली न्यू ईयर है और सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। और आई थिंक बहुत सारे न्यू ईयर्स होते हैं हमारी कंट्री में और आज ये भी है। मैं पहली बार अटेंड कर रहा हूँ तो सबको यही बोलूँगा कि शुभ नव वर्ष। थैंक यू। I think it's a very sweet gesture by Indian Wikimedia. It's a very sweet gesture by Indian Wikimedia to organize this very sweet Bengali New Year. I wish everybody a very sweet and happy New Year. Shubha Nava Varsho. Family mein to hum mithaiyon ke saath, family ke saath aur you know aise hi celebrate karte hain. और यूजली ट्रेडिशनल कुछ पहनते हैं तो आज वैसे मैंने अपनी नानी की साड़ी पहनी है। इट्स माई मटर्नल ग्रैंड मॉम्स साड़ी, माई दीदा जिन्होंने मुझे गिफ्ट किया है। सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द ईयर एंड आई विश एवरीबडी अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। थैंक यू। नहीं, आई थिंक मुंबई में आई थिंक यू नो इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड हर कल्चर को बहुत ही उनके सारे फेस्टिवल्स को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। एंड आई थिंक यू नो बंगाली न्यू ईयर हुआ या बैसाखी हुई या जो भी ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं यूजली कम्युनिटीज़ में होते हैं। इट्स नॉट एज बिग एज दुर्गा पूजा मे बी, क्योंकि वो काफ़ी लार्ज स्केल पर होता है, दैट आई अग्री, बट आई थिंक इट्स एन इनिशिएटिव सिद्धार्थ ने लिया है। और कई बार क्या होता है, हम सारे मेरे मम्मी के फ्रेंड्स हुए, मेरे कुछ बंगाली फ्रेंड्स हुए, मिलके एक गेट टुगेदर करते हैं, सो दिस इज़ अ गुड स्टार्ट। सो या सॉरी जी, सॉरी, नो कमेंट्स, थैंक यू। ओके, सबाई के शुभ नव वर्ष, हैव अ वेरी स्वीट एंड हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर है। थैंक यू। Thank you.
बंगाली हूँ तो बंगाली न्यू ईयर आ रही है 1425, तो उसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और संडे को न्यू ईयर है, पर जैसे मतलब इंग्लिश न्यू ईयर में 4-5 दिन पहले से ही सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है, हम लोग भी ऐसा कोशिश में लगे हैं कि इसका भी सेलिब्रेशन थोड़ा ज़्यादा किया जाए। तो आज मैं आई हूँ, हालांकि बुखार है, फिर भी मैं मतलब हिम्मत जुटा के आई हूँ कि हाँ अब तो सेलिब्रेट करना ही है, गिर ना जाओ, डर लग रहा है। थैंक यू, थैंक यू। क्या बोलना है? Just on the way something. Do I have to say something? What do I say? Okay. So Jerakum, so yeah, I would say in Bangla Shubho Novo Varsho. I mean, it's an honor to be here, and like how as a prompt Bengali, I would say Shubho Novo Varsho and a Happy New Year, and may this year brings a lot of happiness and culture and upbringing to each and everyone in this world and in this country. Thank you. मेरा नाम आशीष रॉय है, शक्ल से बंगाली नहीं लगता, पहनावे से बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन हूँ बंगाली ही। क्या कहूँ आप लोग बताएं, अपने फैंस और ऑडियंस को मैं बंगाली में ही नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। আপনাদের সকলের নববর্ষ খুব শুভ হোক, আপনারা ভালো করে থাকবেন, বাঙালিদের মতন ভালো করে খাবেন আর খুশি থাকবেন পুরো বছর। থ্যাংক ইউ। नववर्ष तो इज स्पेशल फॉर बंगालीज, लाइक किसी को भी अपना न्यू ईयर्स स्पेशल रहता है, सो बंगाली के लिए नववर्ष इज बेसिकली सेलिब्रेशन ऑफ फूड, कमिंग ऑफ स्प्रिंग एंड लाइफ, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। मेरे लिए न्यू ईयर्स जो बंगाली न्यू ईयर्स है, नववर्ष जो इम्पोर्टेंट रहता है कि अपने फैमिली अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलने का, नए कपड़े पहनने का और फूड खाना जो है बंगाली प्रिपरेशन स्पेशली जो माँ बनाता है वो एंजॉय करने का। व्हाट हैज़ दैट टू डू विद दिस? अभी एक फिल्म जो मैं नेक्स्ट काम कर रहा हूँ उसके नाम है ड्राइविंग लेसन्स, सो एक रोमांटिक कॉमेडी है विच आई बी स्टार्टिंग इन ऑगस्ट। या हेलो गाइस, हेलो, हाय। ओके सर जी, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आज की शाम एंड कितना एंजॉय करने वाले हैं, इस तरह से कोई भी यार? एक तो ये है कि मेरे बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ने मुझे बुलाया है, उनके साथ मैं हमेशा मिलता रहता हूँ, पार्टी करता रहता हूँ, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या सरस्वती पूजा हो, सारे फंक्शंस में मैं इन लोगों के साथ रहता ही हूँ। एंड मैं भी बंगाली हूँ, मेरा पूरा नाम सौरभ चक्रवर्ती है, सो पहला बैशाख का माहौल है, सो आई एम वेरी हैप्पी। कालकटा से दूर रहकर भी यहाँ पे ये सब करने का मौका मिल रहा है, सो इट्स फन। एंड नया पब खुला है, सो मैं थोड़ा बहुत पार्टी भी कर लेता हूँ, सो इट्स फन। सो आई एम वेटिंग फॉर अ गुड टाइम टुगेदर विद माई फ्रेंड्स। अनेक अनेक शुभेच्छा सवार जन रही, शुभ नववर्ष, আশা করছি বছরটা সবার জন্য খুব ভালো হবে, খুব ভালো কাটবে। জয় মা দুর্গা। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ।
ভালো তুমি কেমন আছো জি मैं सबको कहना चाहूँगी शुभ नव वर्ष इन दैट इज़ आर बंगाली न्यू ईयर इज़ कमिंग अप और ये नया साल सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग यूजुअली मंदिर जाते हैं नए कपड़े पहनते हैं बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं और बस अच्छे से फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ दिन बिताते हैं थैंक यू इट इज़ अ बंगाली इवेंट तो फिर बंगाली साड़ी पहनना बनता था दैट इज़ वाई थैंक यू यस डियर আমি বুঝতে পারি বলতে পারে না इसका मतलब ये है कि मैं बोला बंगाली में बोलना है तो अभी बंगाली में ही बोलेंगे बस इसका मतलब ये है कि मैं समझ सकता हूँ पर मैं बोल नहीं सकता बोल के बताया नए कपड़े पहनते हैं और स्पेशल खाना खाते हैं और स्पेशली एक्चुअली नए नए कपड़े पहनते हैं तो इट्स उस दिन नए कपड़े पहनते तो साल भर नए कपड़े पहनते रहते हैं बहुत मिठाई खाना बनता है मिठाई खाना बहुत कुछ बनता है और घर पे इतना बनता है कि मुझे भागना पड़ता है क्योंकि जिम करने के बाद ही प्रोटीन लेना पड़ता है लेकिन घर के जैसे अंदर आता हो तो रसगुल्ला मिलता है तो सोचिए मेरा प्रोटीन कैसा होता है उसके बावजूद सिक्स पैक्स बना के रहता हूँ मैं हाँ एक एक माइक उठा के मार सकते हो झूठ बोलने के लिए एक कौन सा बोलो बस पलटन खत्म हो गई है और शूट खत्म हो गया है और बस अभी डबिंग की तैयारी स्टार्ट है और उसके बाद प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगा और फिल्म 7 सितंबर को रिलीज़ हो रही है और हर 7 तारीख को नया नया पोस्टर लॉन्च होगा तो आने वाले टाइम पे बहुत ही हट के कुछ अलग आप सबको देखने को मिलेगा वेल देबीना का अभी चैनल लॉन्च हुआ है देबीना डिकोर्स और परसों वापस एक नया एपिसोड आने वाला है और देबीना का फर्स्ट एपिसोड का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा और देबीना बहुत खुश है और बहुत बिजी है आजकल मुझे इसके साथ बैठना पड़ता है और बोलना पड़ता है कि यार मेरे शॉट ये हटा दे मैं बहुत फ़नी लग रहा हूँ तो आने वाले जो एपिसोड में उसमें ऑलरेडी हमारी बीच में लड़ाई चल रही थी हम गाड़ी में बैठ के ही बात कर रहे थे कि अच्छा देबीना ये हटा दे
लेकिन देबिना क्या है कि बहुत अच्छी एडिटर है, वो अच्छे शॉट्स हमेशा रखती है और जिसमें कॉन्ट्रोवर्सी ज़्यादा होता है वो ज़्यादा अच्छे शॉट रखती है, राइट? तो इसका मतलब गुरमीत उस शॉट्स में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। ओके, नेक्स्ट। इट इज़ वेरी अमेजिंग। इनफैक्ट बहुत मेरे एक्टर फ्रेंड्स ने कहा कि दे वुड लव टू ओपन अ यूट्यूब चैनल, बिकॉज हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हैं और एंड एट दिस एज ऑफ द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड वी ऑल नीड अ वॉइस एंड इंटरनेट हैज़ प्रोवाइडेड अस विद दैट वॉइस, जो आवाज़ हम उठा सकते हैं, जिससे हमें जो इच्छा है वो बोल सकते हैं। इट्स नॉट सीमित कि एक मिनट में बोलना है या ऐसा कुछ। सो वी आर टेलिंग दिल खोल के। सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव कम, सो मेनी ऑफ द पीपल दे वॉन्ट टू डू इट, दे वॉन्ट टू कोलैबोरेट, बट आई एम टू न्यू नाउ, सो लेट मी जस्ट एस्टैब्लिश माई चैनल लिटिल मोर, देन आई विल गो इन फर्दर। बट आने वाले एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, बहुत मसाला है। समस्त चैनल के देबिनार तरफ थेके शुभ नववर्षेर विजया ओ शुभेच्छा। आमियो सेम टू यू। आमादेर दुजनेर तरफ थेके शुभ नववर्ष बोलो। शुभ नववर्ष। इधर आई हूँ, इधर काम भी कर रही हूँ। सो सबाई के एवरी वन शुभ नववर्ष फ्रॉम मी, एंड आप लोग सब बहुत अच्छे से रहना, और ये हम लोग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डे है, 15th अप्रैल जो आ रहा है नववर्षों का। सो कुछ पूछ। हाँ जी, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। इस साल शायद मैं मुंबई में रहूँगी, बट एवरी ईयर घर पे अच्छा अच्छा खाना बनता है, लूची एंड पूरी, ऑल द थिंग्स एंड मिठाई जो स्पेशल होता है बंगालीज का। सो और हम लोग का फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारा फिल्म रिलीज़ होता है 40, मतलब इस पॉला वोशा को, इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर अस। सो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। हाँ हाँ, सबको मेरे तरफ से शुभ नववर्ष, आमार तरफ से के सबाई के शुभ नववर्ष, सबाई खूब भालो थाकबे और यही बछरटा खूब भालो करे काटियो। थैंक यू। सॉरी, मेरा तो अभी आपको मैं प्रोजेक्ट हिंदी में ही आएगा, और ऑलरेडी एक मैंने जी में म्यूज़िक वीडियो किया है, तो वो बहुत अच्छा चल रहा है, दिलबर उसका नाम है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। एंड अभी नेक्स्ट मेरा और एक म्यूज़िक वीडियो आ रहा है मिका सिंह के साथ, सो बहुत जल्दी शूटिंग होने वाला है और नेक्स्ट मंथ को ही आएगा, तो प्लीज़ आप लोग सब देखिएगा। हाँ, और टी सीरीज़ रिलीज़ कर रहा है उसको, सो बहुत अच्छा से होगा, हो सकता है आप सबको प्रेस मीट में मैं फिर से देखूँ नेक्स्ट मंथ को। थैंक यू। सर यहाँ पे लेफ्ट में, राइट में, राइट में, अरुण यार, रोलिंग रोलिंग, कौन लाइट घुमाया? Yeah,
पहला बैशाख आप लोगों के सबके साथ मनाया जा रहा है, इससे अच्छी इंटरेस्टिंग बात क्या हो सकती है बताइए तो। इट्स फन ना? आप लोगों को पता था इस बारे में कि पहला बैशाख भी कुछ होता है हम बॉग्स का? पहला पार्टी ऐसा जिसमें भैया कहा जाता है आप प्लीज इंडियन पहन के आइए। ओके आगे डन। किस सेलिब्रेट करते हैं, कुछ अच्छा अच्छा खाना पीना बनाते हैं, सब लोग मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो वो होती है मिष्टी दोई एट्सेट्रा। सो एंड ऑब्वियसली म्यूजिक, बंगाली एंड म्यूजिक। सो सुबह से ही मेरे फैमिली में तो मोस्टली म्यूजिक शुरू हो जाती है, फिर चाहे वो रविंद्र संगीत हो चाहे वो श्यामा संगीत हो, बस वो शुरू हो जाता है, दैट्स इट। ओके আপনাদের সবাইকে জানাই শুভ নববর্ষ শুভেচ্ছা এবং প্রীতি, ভালো থাকবেন আর ভালোই থাকবেন। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। ওকে চলো। হ্যাঁ বেটা কোন? ইয়েস ম্যাম ম্যাম। मैं बंगाली में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि रसगुल्ला खिलाते रहिए, केमोनाशन दादा बोलते रहिए, बंगालीज हैव अ वेरी वेरी बिग हार्ट, जो भी करते हैं दिल से करते हैं। आई वॉज बॉर्न इन कोलकाता और कोलकाता में पैदा होने के बाद मेरा बहुत लगाव है बंगालीज के साथ, सो आई थिंक बंगाल हैज़ अ बिग हार्ट।
तो सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए, मिष्टी दोही खाइए, रसगुल्ले खाइए और बोलिए केमोना शिन दादा। थैंक यू। यार मेरा बहुत ज़्यादा धमाल करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि हम सब ऑलरेडी ऑलरेडी ये इतना हाइट क्यों है, हम सब ऑलरेडी बंगाली अटायर में रेडी होके आए हैं बिकॉज हमें बंगाली न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, शुभ नव वर्ष सेलिब्रेट करने आए हैं हम यहाँ। एंड थैंक्स टू विकी मीडिया जिसके बदौलत हम सारी बंगालीज आज एक साथ एक प्लेटफॉर्म में एक जगह पे है टू सेलिब्रेट आर नव वर्ष, सो इट्स गोइंग टू बी अ ब्लास्ट। सेम यार, टीना ने सब कुछ बोल ही दिया क्योंकि जब से मैं मुंबई में आई हूँ तो मुझे नववर्ष या न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिला। एंड सीरियसली, एंड जस्ट बिकॉज़ ऑफ सारे बंगालीज के साथ सेलिब्रेट करने का मौका, जस्ट बिकॉज़ ऑफ विकी मीडिया हम सारे बंगाली यहाँ पे एक हुए हैं एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट शुभ नववर्ष जो बंगाली न्यू ईयर, सो इट्स रियली एक्साइटिंग। एक्चुअली हम टिपिकल बंगाली गेटअप में नहीं है, बंगाली गेटअप में जो साड़ी पहनते दैट इज लाइक आठ पोरे साड़ी विच वी आर प्लानिंग ऑन वेयरिंग नेक्स्ट टाइम, बट हाँ मतलब वी बोथ आर एक्चुअली कोइंसिडेंटली हम दोनों ब्लैक में है और खुले बाल झुमके इन्होंने पोनी बनाया, सो दैट्स इट। आई मीन बंगाली नव वर्ष मीन्स इट्स अ ट्रेडिशनल थिंग, सो साड़ी इज अ मस्ट, सो आई थिंक अभी जितने भी बंगालीज आए होंगे सब साड़ी में आएंगे और मेजॉरिटी रेड एंड वाइट में होंगे एंड आई थिंक वी बोथ आर द ऑड वन आउट वेयरिंग ब्लैक and it's coincidental I swear. okay सबकी ये जो न्यू ईयर है सब बहुत अच्छे से रहें उनकी फैमिली के साथ, सबको सबके साथ अच्छे से रहें एंड अनेक भालोबाशा एंड लव यू ऑल। टीना दत्त एवं तार पूरो परिवारेर तरफ थेके सबाइके जानाई शुभ नववर्षेर प्रीति ओ शुभेच्छा एवं अनेक भालोबाशा। टीना दत्ता की पूरे परिवार के तरफ से आप सभी को बंगाली न्यू ईयर की शुभ नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। हैप्पी शुभ नववर्ष। थैंक यू सो मच। कैसे सेलिब्रेट बंगाली न्यू ईयर करते हैं जैसे हर न्यू ईयर को करते हैं यार, वैसे बंगाली न्यू ईयर को करते हैं, खाएंगे पिएंगे थोड़ी मिठाइयाँ खाएंगे, क्या कहते हैं मिष्टी दोही खाएंगे, सो या एंजॉय करेंगे। फॉर द बंगाली न्यू ईयर नहीं, एक्चुअली ये कहना चाहूँगी कि दैट आई एम क्वाइट ग्लैड कि ये एक नई चीज़ है जिससे हमारा यू नो इंट्रोडक्शन हो रहा है, ये चीज़ यू नो एसेंशियली हमने कभी सेलिब्रेट नहीं किया, बट आई थिंक फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड जिसका इंपॉर्टेंस रियलाइज करके ना वी आर गेटिंग अवेयर एंड नाउ सेलिब्रेट करेंगे आई थिंक। यार एक्सपेक्टेशन लगेगी, जाके अंदर खाएंगे पियेंगे दोस्तों से मिलेंगे और अपने घर जाएंगे वापस। एक्सपेक्टेशन तो यार नॉर्मल सा गेट टुगेदर होगा, पार्टी होगी, थोड़ा म्यूजिक होगा, मज़े करेंगे। बस एक कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी आ जाएगा। अच्छा, हैप्पी बंगाली न्यू ईयर टू एवरीवन फ्रॉम द बोथ ऑफ अस। हाँ क्या बोलना भाई, आपका नाम बोल रहा है।
रेडियो 4 रमजान करी मुबारक। अब मैं की बोल पाऊं, मैं तो भालो बांग्ला बोली ना एरा एक्चुअली जिगिश कर पे एक एक की जिगिश कर बो आवे तो चीन एक्चुअली हम लोग में बंगाली न्यू ईयर यूजुअली होता है कि हम लोग मैसेज में एक्सचेंज करते हैं। पहली बार मैंने लाउंज टाइप का न्यू ईयर देखा है और मैं लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि कैसे इन लोग एंजॉय करते हैं और शायद मैं नेक्स्ट ईयर वैसा ही कुछ करूँ। इस बार स्पेशल ये है कि मेरी बेटी पैदा हुई है तो सो ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत खास है ये न्यू ईयर क्योंकि मेरे लिए ऑलरेडी गिफ्ट एडवांस में आ चुका है। सो आई लुक फॉरवर्ड टू द बेस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम एवरीवन मेरी डॉटर के लिए। थैंक यू। जी मैं सबको बंगाली न्यू ईयर शुभ नव वर्ष हो करना चाहता हूँ विश। एंड मेरे को रित्रो ने यहाँ पर इनवाइट किया है, बहुत अच्छी पार्टी हो रही है एंड वी ऑल एंजॉय टुगेदर। किस चीज़ में? कुछ नहीं, अभी तो मैं सबके साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। थैंक्स।